जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का नवम भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के टोटल 8 अलग अलग नियम बताए गए हैं। इन नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का नवम भाव शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो आइए देखते हैं वो 8 नियम कौन कौन से हैं। जन्म कुंडली के अंदर इसे हम नवम भाव कहते हैं और इसकी गिनती कहां से होती है? लग्न भाव से। लग्न भाव यानी कि पहला भाव। तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा और नौवा भाव। तो इसे जन्म कुंडली का नवम भाव कहते हैं, भाग्य भाव कहते हैं। और अगर ये भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है वो आज हम जानने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे कि नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है। नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाला है, वो नवम भाव से देखा जाता है। पिता का सुख, व्यक्ति को सद्गुरु कैसे प्राप्त होंगे, वो भी नवम भाव से देखा जाता है। व्यक्ति कितना धार्मिक, आध्यात्मिक, श्रद्धालु है, वो भी नवम भाव से देखा जाता है। लंबी मुसाफरी, तीर्थ यात्रा, मंदिर, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो उसका मास्टर डिग्री यानी कि हायर एजुकेशन, वो भी नवम भाव से देखा जाता है। और इसी से देखा जाता है साला और साली का सुख, यानी कि अपनी पत्नी का भाई और बहन, वो भी यहां से देखा जाता है। और नवम भाव से और एक चीज देखी जाती है, संतानों के संतान यानी कि हमारे पौत्र, वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। आपको मैं बता दूं, जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे भाग्य भाव इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती धर्म त्रिकोण में की जाती है। धर्म त्रिकोण के टोटल 3 भाव होते हैं, पहला भाव, पांचवा भाव, नौवा भाव। फिर से कहूंगा, पहला भाव, पांचवा भाव, नौवा भाव, ये तीनों त्रिकोण को धर्म त्रिकोण कहा गया है। और इन 3 त्रिकोण के अंदर भी नवम भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि नवम भाव धर्म का होता है, आध्यात्म का होता है, सद्गुरु का होता है। और भी एक बात बता दूं, नवम भाव लाभ भाव का लाभ भाव है, यानी कि 11वें भाव का 11वां भाव, यानी कि लाभ भाव का लाभ भाव। और एक बात बता देता हूं, भावाद भावम नियम के अंदर पंचम भाव का पंचम भाव, यानी कि अगर संतानों का सुख हमें देखना है तो यह है संतानों का सूक्ष्म भाव। तो इसे भावाद भावम नियम कहते हैं, पंचम भाव से पंचम भाव, तो भाग्य भाव हुआ। तो इस प्रकार से भाग्य भाव की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। अभी हम इसके पर नियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला नियम के भाग्य भाव का स्वामी कौन सी राशि में बैठा है, यह जानना बहुत बहुत आवश्यक होता है। देखते हैं, भाग्य भाव का स्वामी अगर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च राशि में बलवान हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर भाग्येश बलवान होगा तो भाग्य भाव भी बलवान होगा। और जब भाग्य भाव बलवान होगा तो भाग्य भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती है वो सबका फल अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, भाग्याधिपति गुरु मीन राशि में स्वग्रही है, भाग्याधिपति गुरु मेष राशि में मित्र राशि का है, भाग्याधिपति गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, तो हम कहेंगे कि भाग्येश बलवान स्थिति में है तो भाग्य भाव का फल बहुत अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा मिलेगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होंगे, बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होंगे, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना,
दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है और इन्हें लंबी यात्रा से भी बहुत लाभ होता है और बार बार लंबी यात्रा के योग भी बनते हैं। अभी आते हैं ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर भाग्याधिपति ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठा हो तो, भाग्याधिपति अगर नीच राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर धनुराशि है, धनुराशि का स्वामी कौन है, गुरु है, वो देखिए दशम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या फलादेश होता है, ऐसी स्थिति में हम फलादेश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख अच्छा प्राप्त न होगा, पिता से हमेशा मतभेद टकराव खिटपिट होता रहेगा या फिर पिता से दूर रहने के योग बनेंगे। ऐसे व्यक्ति का भाग्य नसीब किस्मत कमजोर होगा, ऐसे व्यक्ति को हायर एजुकेशन के योग भी नहीं बनेंगे, ये चाह कर भी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाएगा और इसकी पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाएगी। ऐसे व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा करने में बहुत सारी अड़चने रुकावटें और तकलीफें आएगी। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आता है दूसरा नियम कि जन्म कुंडली का जो भाग्य भाव है उसका जो स्वामी है वो कौन से भाव में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, ये जानना भी बहुत बहुत आवश्यक होता है। नियम ये कहता है कि अगर भाग्याधिपति ग्रह केंद्र भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हो या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए भाग्याधिपति गुरु अगर चौथे केंद्र भाव में बैठा है तो यहाँ पे उच्च का हो रहा है, यहाँ लग्न भाव में दिग्बली हो रहा है, तो आपका भाग्याधिपति कोई भी हो सकता है, आपके भाग्य भाव में यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है और आपका भाग्याधिपति कोई भी ग्रह हो अगर वो केंद्र में बैठा है तो अच्छा माना जाएगा, त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा माना जाएगा, दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा है तो अच्छा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या फलादेश करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता होगा और ये सब करने से उसे लाभ भी होगा। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु का मार्गदर्शन बहुत अच्छा प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली नसीबदार और किस्मत वाले होंगे और उसकी ज्यादातर सभी इच्छाएं भगवान पूरी करता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर भाग्याधिपति ग्रह छठवें आठवें या बारहवें इन भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे हम त्रिक भाव कहते हैं, छठवां भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव, इन तीन भाव को त्रिक भाव कहा गया है, इसका बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जो छठवां भाव है यहां से देखा जाता है ऋण रोग शत्रु कॉम्पिटिटर ये सब देखा जाता है, अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है, मृत्यु मान हानि बदनामी अपमान असाध्य रोग ये सब गुप्त शत्रु ये सब यहां से देखा जाता है, और बारहवां भाव से क्या क्या देखा जाता है, जेल बंधन हॉस्पिटल दवाइयां खर्चा व्यय। तो अगर भाग्याधिपति ग्रह छठवें आठवें या बारहवें भाव के अंदर बैठा हो तो उसे शुभ नहीं मानते और उसका फल क्या मिलता है, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद टकराव खिटपिट बना रहेगा, ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होगा, ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाएंगे जिसके वो हकदार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होगी जिसके वो हकदार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने बच्चों के बच्चों का सुख देखने को नहीं मिलता, और अगर ये लोग लंबी मुसाफरी करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चने रुकावटें और तकलीफें आती है। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आते हैं तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर जो भाग्य भाव है वो अगर शुभ कर्तरी योग में हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार
भाग्याधिपति ग्रह वो भी अगर शुभ कर्तरी योग में हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। नियम ये कहता है कि भाग्य भाव और भाग्याधिपति अगर शुभ कर्तरी योग में आ जाए तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है, और भाग्य भाव से जितनी चीजें देखी जाती है वो सबका फल अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य भाव के अंदर मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ, अर्थात भाग्याधिपति ग्रह मंगल हुआ। ये मंगल बुध और चंद्र दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम कहेंगे कि भाग्याधिपति मंगल शुभ कर्तरी योग में है तो इससे भाग्येश की ताकत बढ़ गई। जब भाग्येश बलवान हो गया तो भाग्य भाव भी अच्छा हो गया, तो इसका फलादेश क्या होगा? हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होते हैं, उन्हें पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, इन्हें सद्गुरु का मार्गदर्शन अच्छा प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान, ज्ञानी होते हैं, इन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से स्टडी होती है। अगर भाग्य भाव भी अगर शुभ कर्तरी योग में हो, यानी कि इस और इस भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हो, तो भाग्य भाव भी शुभ कर्तरी योग में हो गया। अभी हम आते हैं ठीक उसके विपरीत, अगर भाग्य भाव और भाग्याधिपति अगर ये पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, ये है भाग्य भाव, तो भाग्य भाव राहु और शनि के बीच में आ गया है, भाग्य भाव राहु और मंगल के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे कि भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, भाग्याधिपति मंगल शनि और राहु के बीच में आ गया है, ध्यान से देखना, भाग्याधिपति मंगल शनि और राहु के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे कि भाग्येश मंगल पाप कर्तरी योग में पीड़ित है, तो मंगल का बल कमजोर हो जाएगा, और जब मंगल कमजोर हुआ तो भाग्य भाव भी कमजोर हो गया, क्योंकि वो भाग्येश है, तो भाग्य भाव का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का अपने माता पिता के साथ, अपने डैडी के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य करने जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे। ऐसे व्यक्ति को देश, विदेश, प्रदेश की यात्रा के अंदर हमेशा रुकावटें, अड़चने, तकलीफें आती रहेगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाएंगे जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आते हैं चौथा नियम, अगर भाग्याधिपति ग्रह कोई शुभ राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखिए, भाग्याधिपति मंगल यहां पे स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। भाग्याधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग बना रहा है तो आपकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में मान लो भाग्याधिपति चंद्र गुरु के साथ गज केसरी योग बनाता हो तो, आपकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति चंद्र मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आपकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति कोई भी हो सकता है, और वो अगर राजयोग, शुभ योग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। और उसका फलादेश ये होगा कि हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होंगे। ये लोग हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करेंगे और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ऐसे धार्मिक कार्य करने से बहुत ही लाभ होगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह कोई शुभ योग राजयोग बनाता हो तो आप कह सकते हो कि ये बच्चा बड़ा होकर मास्टर डिग्री हासिल करेगा, हायर एजुकेशन हासिल करेगा,
और ये व्यक्ति नाम ना कमाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों के बच्चों का सुख भी देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को पौत्र सुख भी देखने को मिलता है। अभी आते हैं ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर भाग्याधिपति ग्रह कोई अशुभ योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति कोई खराब योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति कोई भी हो सकता है, जैसे कि भाग्याधिपति सूर्य राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति शुक्र राहु के साथ लंपट योग बनाता हो तो, भाग्याधिपति शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। उससे क्या होगा, भाग्येश कमजोर माना जाएगा, और जब भाग्येश कमजोर हो गया तो भाग्यस्थान भी कमजोर हो गया, तो उसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। तो भाग्यस्थान से जितनी भी चीजें बोली जाती है उसका फल नेगेटिव आएगा। अभी हम आते हैं छठवां नियम के, भाग्यस्थान के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे देखिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के ऊपर आप देखिए खुद राशि स्वामी शुक्र देख रहा है, बुध की दृष्टि पड़ रही है सातवीं, तो भाग्य भाव के ऊपर बुध और शुक्र दोनों अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो भाग्य भाव शुभ हो गया। गुरु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य भाव अच्छा हो गया, तो भाग्य भाव से मिलने वाली सारी चीजों का फल अच्छा मिलेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर भाग्य भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, भाग्य भाव के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो भाग्य भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसका फल खराब आएगा। हम कहेंगे पिता का सुख अच्छा न मिलेगा, भाग्य कमजोर होगा, लंबी यात्रा में विघ्न आएंगे, हायर एजुकेशन न होगा। अभी आते हैं आखिरी दो नियम, उसमें से पहला नियम यह है कि भाग्याधिपति ग्रह अगर नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठा हो जिस राशि में जन्म कुंडली में है, तो हम कहेंगे राशि वर्गोत्तमी है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, भाग्याधिपति बुध तुला राशि में बैठा है, अगर नवमांश कुंडली में भी तुला राशि में हो तो हम कहेंगे कि भाग्येश राशि वर्गोत्तमी हो गया। वैसे ही भाग्याधिपति जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहेंगे भाग्याधिपति भाव वर्गोत्तमी हो गया। तो अगर भाग्याधिपति ग्रह राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा, और भाग्य स्थान से लगती सारी चीजों का फल अच्छा मिलेगा। ठीक वैसे ही भाग्याधिपति ग्रह अगर जो मित्र नक्षत्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, भाग्याधिपति अगर शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर भाग्याधिपति ग्रह शुभ स्थिति में हो तो उसका फल कब मिलेगा, तो जब भी भाग्येश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब भाग्य भाव का फल देखने को मिलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भाग्याधिपति होता है उसे कुंडली का कारक ग्रह माना जाता है, योग कारक ग्रह माना जाता है, राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। तो भाग्येश कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, और अगर भाग्येश कुंडली में स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। अगर भाग्येश कुंडली के अंदर कोई राजयोग बनाता हो तो कुंडली की ताकत दुगनी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।